तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं, अगर आपके नंबर पे डबल रिचार्ज हो जाता है, जैसे कि आपने रिचार्ज करा लिया या आपके किसी फैमिली मेंबर ने कहीं पर रिचार्ज करा लिया, या दोस्तों आप लोगों का रिचार्ज एक आपने किया वो पेंडिंग हो गया, आपने दूसरा रिचार्ज किया तो वो सक्सेस हो गया, उसके बाद में आप लोगों का जो पेंडिंग रिचार्ज था वो भी यहाँ पर सक्सेस हो गया। अगर आप लोगों का एक नंबर पर डबल रिचार्ज हो गया है तो आपको क्या डबल बेनिफिट और डबल वैलिडिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आज की इस वीडियो में आप सभी को डिटेल के साथ बताने वाला हूं। तो अब दोस्तों आप सभी को पता है इस वक्त यहां पर रिचार्ज में बदलाव किए गए हैं, तो यहां पर दोस्तों डबल रिचार्ज हो जाता है तो उसमें भी बदलाव किए गए हैं। यहां पर हम सभी के बताने वाले हैं, एयरटेल से लेकर आप लोगों को बीएसएनएल तक बताएंगे, जितने भी यहां पर ऑपरेटर हैं सभी पर आपको बताएंगे अगर डबल रिचार्ज हो जाता है तो क्या आप लोगों को डबल बेनिफिट मिलेगा या आप लोगों को सिंगल बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा नॉलेजफुल होने वाली है, तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखना, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एयरटेल और आइडिया और वोडा बी की, इन दोनों ऑपरेटर में सेम रूल इस वक्त चल रहे हैं। दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आपके पास आइडिया और वोडा बी और एयरटेल का सिम कार्ड है, अगर आपके नंबर पे डबल रिचार्ज हो जाता है, आपने किया या आपके फैमिली मेंबर ने करवा दिया, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, अगर आपके पास यहाँ पर बिल्कुल समाप्त वैलिडिटी है और आपने यहाँ पर मान लिया जाए 149 रुपए का रिचार्ज करा लिया, आपने 149 रुपए का करा लिया और उसके बाद आपके फैमिली मेंबर किसी ने भी यहाँ पर 149 का और रिचार्ज करा दिया, तो यहाँ पर दो रिचार्ज हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या आप लोगों को यहाँ पर डबल बेनिफिट मिलेगा, यानी दोस्तों 149 में 28 दिन की वैलिडिटी दी जाती है, क्या आप लोगों को अगर डबल रिचार्ज हो जाए तो आपको 56 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी या नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों कहने का मतलब, अगर आप लोगों के 149 या कोई भी अनलिमिटेड पैक आप लोगों का हुआ है और आप लोगों का डबल रिचार्ज हो जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों आइडिया और वोडा बी और एयरटेल में आप लोगों को यहाँ पर डबल बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर 28 दुनी 56 दिनों का यहाँ पर वैलिडिटी मिलेगा, साथ में आप लोगों को यहाँ पर अनलिमिटेड पैक है तो आप लोगों को 56 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी, तो आपको यहाँ पर कोई भी टेंशन नहीं लेना है। आप लोगों का अगर डबल रिचार्ज हो गया है तो आप लोगों को दो डबल रिचार्ज का बेनिफिट मिल जाएगा। और यहाँ पर काफी भाइयों के कमेंट आ रहे थे, जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पर बता रहे थे, जो यहाँ पर हमने वैलिडिटी प्लान कराया अपनी सिम कार्ड को चालू करने के लिए, यहाँ पर 49 का या 79 का रिचार्ज करा लिया, ठीक है, वो यहाँ पर अभी खत्म नहीं हुआ है, लगभग उसको 12-13 दिन हुए हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पर डेटा वाला यहाँ पर रिचार्ज करा लें, जैसे कि अनलिमिटेड पैक आते हैं जैसे कि 249 रुपए का, यहाँ पर ऑफर में आ जाता है 199 रुपए का या यहाँ पर 399 का, ये वाले रिचार्ज करा लेते हैं तो क्या हमारा आज से लगेगा या यहाँ पर रिचार्ज ये खत्म होगा जो हमने वैलिडिटी वाला प्लान कराया, जो यहाँ पर 49 या 79 वाला रिचार्ज करा जो हमारे ये चल रहा है, क्या ये खत्म हो जाएगा अगर हम ये इसको अनलिमिटेड पैक वाले प्लान को करा लेते हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा आप लोगों का ये खत्म नहीं होगा, अगर आपको यहाँ पर वैलिडिटी प्लान चल रहा है जो भी आप लोगों ने 79 या 49 रुपए का रिचार्ज कराया है, आप लोग यहाँ पर अनलिमिटेड रिचार्ज करा लेते हो तो दोस्तों यहाँ पर आज से लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, आपका यहाँ पर वैलिडिटी तो है अभी, आपका आज ही से लगना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी आप लोगों ने सिम कार्ड चालू रखने के लिए यहाँ पर वैलिडिटी प्लान कराया होगा उसकी वैलिडिटी दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं जियो की, जियो में क्या है दोस्तों, अगर आपका एक ही नंबर पर दो रिचार्ज हो जाता है तो आप लोगों को क्या करना है, क्या आप लोगों को डबल बेनिफिट मिलेगा या नहीं, तो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, चाहे वो आप लोगों का 149 का हो, चाहे वो आपका 199 रुपए का हो, अगर एक रिचार्ज हो गया है और यहाँ पर फौरन ही या थोड़ी देर बाद आप लोगों का एक रिचार्ज और हो जाता है सेम अमाउंट का या उससे ज्यादा या उससे कम का यहाँ पर रिचार्ज हो जाता है, तो क्या यहाँ पर आप लोगों को डबल बेनिफिट मिलेगा या नहीं, तो जी हाँ दोस्तों आप लोगों को उसमें आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। वो आपको कैसे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोगों ने आज ही यहाँ पर 149 का रिचार्ज कराया और आपके फ्रेंड फैमिली मेंबर किसी ने 149 का रिचार्ज करा दिया, तो यहाँ पर जो पहले रिचार्ज हुआ था वो तो दोस्तों एक्टिवेट है, वो आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा, और जो आपने दोबारा से यहाँ पर रिचार्ज करा किसी ने भी आप लोगों का करा दिया, आप लोगों का वो रिचार्ज रुक जाता है, उस रिचार्ज को आप लोग यहाँ पर माई जियो एप्लीकेशन में देख सकते हो। अगर वो यहाँ पर उस रिचार्ज को आप लोग यहाँ पर देखोगे, अगर उस रिचार्ज को आप देख पाओगे कि यहाँ पर रुका हुआ है, अगर उस पर आपको एक्टिवेट नाउ पे क्लिक कर दोगे, एक्टिवेट कर दोगे, तो वो आज से लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, फिर आप लोगों को यहाँ पर डबल बेनिफिट मिल जाएगा, मगर यहाँ पर डबल वैलिडिटी नहीं मिलेगी अगर आप लोगों ने उसको एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, एक रिचार्ज हो जाता है तो यहाँ पर नीचे आप लोगों का अगर डबल रिचार्ज होता है तो आपको नीचे शो होगा और यहाँ पर एक्टिवेट का एक ऑप्शन आएगा, उसको एक्टिवेट नहीं करना है, जब यहाँ पर खत्म हो जाएगा वो पहले रिचार्ज जो आपने कराया वो खत्म हो जाएगा, तो दोबारा से ऑटोमेटिकली ये रिचार्ज एक्टिवेट हो जाएगा, अगर एक्टिवेट नहीं तो आप लोगों को खत्म होने के बाद उस रिचार्ज को एक्टिवेट कर सकते हो, तो आप लोगों को यहाँ डबल बेनिफिट और आप लोगों का रिचार्ज भी बेकार नहीं जाएगा। अब यही दोस्तों हम बात कर लेते हैं बीएसएनएल की, तो दोस्तों बीएसएनएल में आप सभी को बता दूं, बीएसएनएल में काफी ज्यादा यहाँ पर बदलाव है रिचार्जेस को लेकर, अगर आपके नंबर पर डबल रिचार्ज हो जाता है, जैसे कि दोस्तों मान लिया जाए यहाँ पे जो
वैलिडिटी वाले इनके प्लान आते हैं जो कि जो आपको पता होगा 75 या 94 रुपए का। यहाँ पर अगर BSNL में अगर यहाँ पर 99 रुपए का रिचार्ज हो जाता है, दो रिचार्ज हो जाते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों 22 दिन की ही वैलिडिटी मिलेगी आप लोगों को। यहाँ पर बेनिफिट तो डबल मिलेंगे, जैसे कि बेनिफिट जैसे अगर उसमें डेटा वगैरह मिलता होगा वो तो आप लोगों को डबल मिल जाएगा, मगर यहाँ पर वैलिडिटी आपको डबल नहीं मिलने वाली है। यहाँ पर आप लोगों को वैलिडिटी वही 22 दिन की दी जाएगी अगर आप लोगों का आज ही से रिचार्ज हो गया है, तो यहाँ पर वैलिडिटी आप लोगों को डबल नहीं दी जाएगी BSNL की तरफ से। यहाँ पर आप लोगों को जो बेनिफिट है वो डबल मिल जाएंगे भाई। पर दोस्तों अगर आप यहाँ पर वैलिडिटी वाले प्लान कराते हो 75 रुपए का या यहाँ पर 94 रुपए का, तो यहाँ पर दोस्तों अगर डबल रिचार्ज हो जाते हैं तो उनकी भी वैलिडिटी दोस्तों आपको डबल वैलिडिटी नहीं मिलेगी अगर आप लोगों के 75 के दो रिचार्ज हो गए हैं। तो यहाँ पर BSNL की तरफ से देखा जाए तो काफी घटिया सर्विस दे रहे हो ये लोग, और यहाँ पर रिचार्ज अगर डबल हो जाता है तो ये डबल बेनिफिट या डबल यहाँ पर वैलिडिटी नहीं दे रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में जरूर रखना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज के वीडियो में आप सभी को काफी अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ। तो अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर दबा देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, बाय।